भी सोचना चाहिए कि कुछ तो ऐसा होगा। किसी को कोई सपना नहीं आता है। जब आप कोई काम कर नहीं रहे हो, मान लो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिया से बात नहीं कर रहा हूँ, और सामने से मेरे को रोज बोला जाए हर घंटे पे कि प्रिया से बात कर रहे हो, प्रिया से बात कर रहे हो, प्रिया से बात कर रहे हो, तो भाई ठीक है मैं प्रिया से बात कर रहा हूँ, तू जा। जब मैं नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। और एक बात बताऊं, मेरे बहुत नॉर्मल चीज है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन आपको जब 10 लोगों के बीच में भी बोला जाए अरे ये तो प्रिया से बात करता है। आगे मैं जो क्लिप दिखाने वाली हूँ उसमें सचिन ने मनीषा को इतना गलत साबित करने की कोशिश की है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या सारी गलती मनीषा का है? इस क्लिप में तो यही लग रहा है सचिन के नज़रिए से कि नेहा के अगर करीब गए हैं तो वो भी मनीषा की वजह से गए हैं। तो आप ये क्लिप जरूर सुनिएगा और अपनी राय दीजिएगा। नहीं, और एक चीज मैं बता दूं आज तुम्हारे लाइफ पे भी। आपको क्या लगता है कि कोई कोई जब दो इंसान इतने प्यार से रहता है, इतना सब कुछ अच्छे से रहता है, और उसके बीच में अगर कोई तीसरा आ भी जाता है तो वो तीसरे की गलती नहीं, चलो तीसरे की गलती है नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उस दूसरे में ऐसी क्या कमी दिखी कि वो तीसरे के पास गया? हाँ, पकड़ गए बात को, यही बात है, यही बात है, यही। तो यहाँ पे नेहा से मिलने के बाद सचिन को मनीषा में कमियां नजर आने लगी और जिसकी वजह से वो नेहा की चुलबुलाहट पे फिदा हो गए। यहाँ पे उनका साफ कहना है कि मनीषा में कुछ तो इतना चेंजेस आया होगा कि मैं दूसरे के पास गया, तो इसका मतलब फिर से अगर मनीषा के अंदर कमियां आएगी तो सचिन दूसरे के पास जाए। अगर सचिन की तरह हर पति पत्नी करने लगे कि हमारी पत्नी से हमारा नहीं जम रहा है तो हम दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे से इक्स लड़ाएंगे, तो क्या कोई भी रिश्ता बच पाएगा? ये यूट्यूब के रिश्ते तो गजब के निकले, भाई भाई बहन का नाम शर्म साथ कर दिए। तो आपकी क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।